अगली राशि है सिंह यानी कि लियो। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह। आपको भाग्य का साथ मिलेगा एवं काम की अधिकता रहेगी। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क लोड बड़ा रहेगा, काम ही काम। चलिए इसमें एक चीज तो फायदा हुआ कि आपके रुके हुए या जो टाले हुए काम है वो भी हो जाएंगे। योजनाएं सफल होगी, जितनी भी आपने प्लानिंग बनाई है या आप बनाएंगे वो बहुत जल्दी सफल होने के योग है इस सप्ताह। एवं सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलूंगा कि काम समय पे पूरा हो जाएगा। ये सप्ताह बहुत तेज निकलेगा और बहुत जल्दी जल्दी सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। मंगलवार और बुधवार को भी आय अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। तो ये दो दिन किसी तरह के अगर पेमेंट लेना है तो इस दिन लीजिए, आपके बहुत एफर्टलेस और अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। संतान से सुख प्राप्त होगा, स्वयं के प्रयास में सफलता मिलेगी। जितना भी प्रयास आप करेंगे तो मेहनत करते जाइए, बहुत ज्यादा इस सप्ताह आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। गुरुवार को विवादित मामलों का हल करने में मदद मिलेगी। गुरुवार भी बहुत सारे जो उलझे हुए मसले हैं आपके, अगर उसको गुरुवार वाले दिन करेंगे तो उससे काफी राहत मिल जाएगी चीजें। शुक्रवार भी अच्छा दिन रहेगा आपके लिए, आय की प्राप्ति होगी। शुक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, मैं बोलना चाहूंगा कि शुक्रवार वाले दिन अच्छी इनकम एवं शनिवार को सुखद समाचार मिलेगा। ये राशि का जो पूरा सप्ताह है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशन की हम बात करें, व्यापार में तेजी रहेगी एवं नौकरी में स्थानांतरण का योग बनेगा। आगे बात करते हैं शिक्षा की, अध्ययन व्यवस्थित रखें जिससे परिणाम भी सुखद मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है तो ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होगा एवं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सुखद रहेगा, बहुत उत्तम रहने वाला है। उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान जी को आपको मंदिर में जाकर के सिंदूर चढ़ाएं। देखिए ये सप्ताह कैसा बढ़िया जाने वाला है। मैं तो राशि वालों के लिए बोलूंगा कि आप जितने कार्य हो सकते उसे करें और साथ ही साथ ये छोटा सा उपाय भी करिएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपका ये सप्ताह शुभ, अच्छा और बहुत ही बेहतर जाए ऐसी कामना करते हैं। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।